करेंगे। गोरखपुर से खबर है, जहां गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कुलपति और कुल सचिव की पिटाई का मामला है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ चल रहा था एबीवीपी का धरना प्रदर्शन और कुलपति के रवैये से छात्रों का गुस्सा फूट गया। पुलिस के बल प्रयोग करने पर छात्रों ने पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की और कुलपति से भी छात्रों ने जमकर धक्का मुक्की की। मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है और 10 से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया है। मारपीट में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ है और मारपीट में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तस्वीरें मारपीट की सामने, धक्का मुक्की की सामने। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कुलपति और कुल सचिव की पिटाई का यह मामला, जिसमें फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एबीवीपी का धरना चल रहा था और कुलपति के रवैये से छात्रों का गुस्सा फूट गया। पुलिस के बल प्रयोग करने पर छात्रों ने पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पुलिस और छात्रों के बीच किस कदर विवाद बढ़ गया, वो तस्वीरों में कैद हुआ। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी देंगे। हरेंद्र, अभी वहां पे किस तरह के हालात है, चूंकि तस्वीरें सामने हैं जहां पुलिस और ये छात्र आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, कुलपति की भी पिटाई कर दी गई। देखिए, खासतौर से ये मामला काफी दिनों से गर्मा गर्म चल रहा था और इस पे छात्र उग्र आंदोलन के लिए बाधे हुए हैं। जब सब चीज हो चुका है, क्योंकि कुलपति की मनमानी के चलते छात्र बीते कई दिनों से आंदोलन थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई भी सूझ नहीं ली। और दूसरी चीज, विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा जिस तरह से मनमानी किया जा रहा था, उसको लेकर के छात्र हमेशा आगाह कर रहे थे, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं कुलपति का पुतला फूंक रहे थे, तो उसको प्रशासन हल्के में ले रहा था। और आज इस तरह की घटना हो गई, जिसको लेकर के छात्र और पुलिस के बीच में और कुलपति के बीच में जमकर मारपीट हुई। कुलपति, कुल सचिव, कुलपति सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए। 12 छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा। खासतौर से ये मामला काफी दिनों से गर्मा गर्म चल रहा था और जिसका उजागर आज हो गया। बहुत शुक्रिया हरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये विवाद इतना बढ़ गया कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ये छात्र और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई, मारपीट तक की ना बता। तो 10 से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया है, जबकि 2 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है, वो घायल हुए हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कुलपति और कुल सचिव की पिटाई का यह मामला है। ये तस्वीरें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की स्थिति क्या रही है, जब पुलिसकर्मी, ये देखिए, एक के बाद एक कई छात्रों पे थप्पड़ों की बरसात की जाती है और फिर जवाब में इस पुलिसकर्मी को कुछ छात्र धक्का देते हैं, यहाँ तक कि उनकी वर्दी तक फाड़ दी जाती है। तस्वीर कैमरे में कैद हुई, ये देखिए तस्वीर, जहाँ पुलिसकर्मी को भी बुरी तरह धक्का दिया गया और इस धक्का मुक्की में उनकी वर्दी भी फटी।